हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रांसपोंडो। मेरा नाम मौमिता मिश्रा दास है और आपका स्वागत है नए एपिसोड में। तो आज मैं कुछ एक्सोटिक प्लांट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। एक्सोटिक, यस एक्सोटिक। तो चलिए लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या है वो प्लांट। चलिए, तो दोस्तों मैं जिस प्लांट के बारे में बात कर रही थी वो यही है। इसका नाम है फर्न लीफ कैक्टस। आप सोच रहे ये कैसे कैक्टस है? हाँ, ये एक कैक्टस है जिसमें फ्लावर्स आता है। इसका नाम सेलेनसेरस काइसोकार्डियम है। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका नाम सेलेनसेरस काइसोकार्डियम क्यों पड़ा। सेलेन का मतलब है कैंडल इन लैंटर्न, काइसो का मतलब है गोल्डन और कार्डियम का मतलब है हार्ट। तो आपको ये इनसाइड पिक्चर से पता चल रहा है कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है। इसका फ्लावर देखने में बड़ा ही सुंदर है। तो चलिए इस प्लांट के बारे में मैं आपको और भी कुछ जानकारियाँ दे दूँ। इस प्लांट को अगर आप सोच रहे हैं कि आप बाहर आउटडोर पे लगा सकते हैं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पाया जाता है मेक्सिको के जंगलों में जहाँ लाइट बहुत ही मॉडरेट होता है, क्योंकि घना जंगल होता है तो घने जंगल में लाइट बहुत ही मॉडरेट आता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसको एसी में रखें तो हाँ आप रख सकते हैं। इसके नीचे आप ह्यूमिडिफायर लगा के ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ह्यूमिडिफायर के नीचे रखेंगे तो इसको वो ह्यूमिडिटी मिलता रहेगा जो इसको ज़रूरत होता है। अब ये जंगलों में पाया जाता है तो जाहिर सी बात है ये प्लांट के ऊपर ग्रो होता है, यानी ये एपिफाइट है और ये ग्रो होता है ऊपर तक। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह से ऊपर की तरफ जाता है। तो हम लोग अगर सोचेंगे कि इसको कौन से पॉटिंग मिक्स में लगाएं तो पॉटिंग मिक्स बहुत ही ईजी है। पॉटिंग मिक्स है कोई भी कैक्टस मिक्स या फिर एरोड मिक्स जो कि बहुत ही एयरी हो। अगर आप ऐसे मिट्टी वाला सॉइल यूज़ करेंगे, बिल्कुल मिट्टी यूज़ करेंगे तो ये प्लांट मर सकता है, क्योंकि इसको ज़रूरत है बहुत ही एयरी सब्सटेंस की यानी सॉइल की। इसकी नीड बहुत ही कम है और फर्टिलाइज़र इसको बहुत ही कम लगता है। मैं इस पर पॉटिंग मिक्स यूज़ करती हूँ, पॉटिंग कंपोस्ट यूज़ करती हूँ जो कि मैं खुद बनाती हूँ। और आप लोग वर्म कास्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये प्लांट देख रहे हैं कितना बड़ा है। इसको मैं 4 महीने हो गए मैं ग्रो कर रही हूँ और इसके जो भी खामियाँ हैं, खूबियाँ हैं, मैं इसको जांच कर रही थी तभी मैं आपके सामने ये सारी बातें बोल पा रही हूँ, क्योंकि बिना जांच पड़ताल किए आप प्लांट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। और ये प्लांट बहुत ही इजी प्लांट है ग्रो करने के लिए। इसका जब फ्लावर आता है, अगर आप चाहते हैं कि इस पे फ्लावर आए तो इसको बहुत ही स्ट्रेस करना पड़ता है। इसको एक कूल सा जगह में रखना पड़ेगा, बिल्कुल लाइट ना हो ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा। तो मैं ऐसे स्ट्रेस अपने प्लांट को दे नहीं सकती, तो बिल्कुल ही नहीं। अगर आप पॉटिंग मिक्स खुद से बनाना चाहते हैं तो आप खुद भी बना सकते हैं। इसमें लगेगा 40% बल लाइट, 10% कंपोस्ट और चारकोल मिक्स और कोकोनट हस्क, या तो फिर आप पाइन बार्क भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने तो इस ऐसे ही बनाया है और ऊपर से थोड़ा सा स्पैगनम मॉस डाल दिया है ताकि ये ड्राई ना हो जाए सॉइल। कोई कोई कहता है ये कैक्टस है तो ज़रूर धूप में रह सकता है। बिल्कुल नहीं, ये कैक्टस ज़रूर है पर इसके नाम के पहले फर्न भी लगा हुआ है। तो सोच सकते हैं कि फर्न मॉडरेट लाइट में ग्रो होता है जो कि ज़्यादा लाइट में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और इसको अगर हॉटनेस भी लगा तो फिर भी मर सकता है ये। तो ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है गर्मी और सर्दी के बीच का। तो आप अपने घर के अंदर बिल्कुल हाउस प्लांट की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं और रख सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर से ये ग्रो हुआ है, नया जो इसमें ग्रोथ आया है। और ये 6 फीट तक इसका ये जो पत्ती है ये लॉन्ग होता है 6 फीट तक। तो अभी ये ग्रो हो रहा है, अभी तो और ग्रो होना बाकी है इसमें। इसके जो ये नोड्स है यहाँ से भी ग्रोथ आता है और इसके जो फ्लावर्स आते हैं वो भी यहाँ नोड में से आता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना प्रिटी प्लांट है और कितना ईजी प्लांट है करने के लिए हम लोगों के। मुझे लगता है आप लोग सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी बुक कर ले। ज़रूर ज़रूर बुक कीजिए। दोस्तों इसे केयर करना बहुत ही ईजी है। आप केयर करने के लिए इसमें ह्यूमिडिफायर लगा दीजिए, बस इसका केयर हो जाएगा। और वंस इन ए मंथ इसे थोड़ा सा पॉटिंग कंपोस्ट दे दीजिए, और या तो फिर आप लोग अगर वर्म कास्टिंग डाल सकते हैं तो वर्म कास्टिंग भी डाल सकते हैं इसके लिए। और बाज़ार में हाउस प्लांट केयर के लिए नए नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसका केयर बहुत ही इजी है, ऐसे कुछ केयर लगता नहीं है। जस्ट इसको ये देखना है कि आप इसे ग्रो लाइट के अंदर में ग्रो करें, या तो फिर आप ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे बहुत ही कम लाइट आता हो, डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम ऐसा नहीं है, जस्ट जहाँ पे बहुत ही मॉडरेट लाइट आता हो। जैसे मेरा बरंदा है, आप देख सकते हैं कि इसमें धूप तो आता नहीं है, बहुत ही मॉडरेट सा लाइट होता है। तो ये एकदम बेस्ट जगह है यहाँ इसे ग्रो करने के लिए। पर यहाँ पे एसी का आउटलेट लगा हुआ है, तो मैं ये प्लांट घर के अंदर रखती हूँ, एसी के अंडर में रखती हूँ, ताकि ये अच्छे से ग्रो हो सके। और ग्रो लाइट तो मेरा है ही, आपको पता है, तो मैं ही ग्रो लाइट के अंदर में ग्रो करती हूँ। अब आते हैं प्रोपोगेशन पे, तो मैं आप लोगों को प्रोपोगेशन का प्लांट भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला प्लांट मैंने प्रोपोगेट किया है इसी प्लांट से। ये जब आया था 4 महीने पहले, तब ये इससे टूट गया था। तो जाहिर सी बात है, टूटा हुआ चीज़ तो मैं फेंक नहीं सकती, और तब जानती भी नहीं थी कि कैसे इसे प्रोपोगेट करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मेरा ये स्वभाव है क्योंकि मैं होया वाटर में ग्रो करती हूँ, तो मैंने क्या किया, इसका जो गिरा हुआ अंश था उसको उठा के पानी में रख दिया मग के, क्योंकि मैं जानती नहीं थी। तो मग के पानी में रखने के बाद देख रही हूँ 2 हफ्ते बाद इसमें छोटे छोटे ऐसे रूट्स आने शुरू हो गए। तब मैंने सोचा ये मग में ग्रो हो रहा है, तो मैंने इसे कांच के बॉल में इसको ट्रांसफर कर दिया और ये वेल रूटेड हो गया। और उसके बाद मैंने इसे पॉटिंग मिक्स में दे दिया है। देख सकते हैं आप पॉटिंग मिक्स कितना एयरी है, सो सकता है ना। तो प्रोपोगेशन भी बिल्कुल ईजी है। अगर आपके पास प्लांट है तो आप ऐसा नोड लीजिए, नोड के काट के उसे जरा सा रूटिंग हार्मोन में डाल सकते हैं, या फिर बिना रूटिंग हार्मोन में डाले ही आप वाटर में डाल सकते हैं, या फिर स्पैग्नम मॉस में डाल सकते हैं। स्पैग्नम मॉस भी बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, या तो फिर मेरी तरह वाटर में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये प्लांट? ये मेरे कलेक्शन का सबसे बेहतरीन प्लांट है आज तक के। मैं होया कलेक्ट करती हूँ, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, पर ये कैक्टस बहुत ही न्यारा है क्योंकि मेरे घर में लाइट नहीं आता, और ये मॉडरेट लाइट में बहुत सुंदर ग्रो होता है। तो इस कैक्टस को आप कितने रेटिंग देंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और किस किस ने इसे बुक किया है, किस किस के पास ये है, और किस किस को इसकी चाहत है, मुझे बताना नहीं भूलना। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का, और तब तक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फ्रेंड्स के साथ से शेयर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, उनको भी तो नया प्लांट चाहिए। तो फिर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब के बटन दबा दीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो मिस हो जाएगा नया प्लांट, बोल रही हूँ। और जल्दी ही नए नए प्लांट्स और नए नए डेस्टिनेशंस लेके आ रही हूँ मैं। कीप ऑन टाटा।